सीरीज तीसरा मुकाबला राजकोट में लीजेंड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दो दिन खेल समाप्त हो गए हैं। भारत की पहली पारी में 445 रन का बना पाई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी। इंग्लैंड की टीम ने पहले दिन दो विकेट खोकर 207 रन बना डाले। भारत अभी 338 रनों से आगे हैं। टीम में तूफानी शुरुआत गेंदबाज और जैक क्रॉली ने दिलाई। हालांकि असी ने भारत की पहली सफलता जैक क्रॉली के रूप में दिखाई। बेन डेगेट की शतक पूरा कर लिया। हालांकि ओली पोप को सिराज ने आउट कर दिया। इसी के चलते वे दो विकेट गिर पाई। और आपको बताते हैं कि कुलदीप यादव ने पहले आधे घंटे में ही आउट हो गए, जिसके बाद ध्रुव झरेल ने रविंद्र अश्विन और शकीब सरदारी की भारत को 400 रन पार पहुंचाया। अंत में जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त छक्के और चौके की मदद से 30 रन को पार्टनरशिप कर पाई। इंग्लैंड के लिए मार्क वुड सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए। बता दें 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 के बराबरी पर है। और आपको बता दें कि इंग्लैंड ने एकदम वनडे की तरह खेला, टेस्ट को बना दिया, क्योंकि 35वें ओवर में 207 रन बना डाली। बेंडॉक 133 रन जो रूट 9 रन नबाद है। भारतीय टीम अभी 238 रन से आगे है। अगर इस सीरीज को अगर अपने कब्जा में करना है तो फिलहाल इंडिया को तीसरा दिन ऑल आउट करना ही जरूरी होगा, क्योंकि अगर तीसरा दिन वो खेल जाते हैं तो 450 रन बना डालेंगे और ये टेस्ट में इंडिया पीछे रह जाएगा और फिर हारने का नौबत आ जाएगा इंडिया को। इसलिए बुमराह सिराज को ज़बरदस्त गेंदबाजी करना पड़ेगा, साथ में कुलदीप यादव को तो और भाई अपना गुगली से विकेट ले। और आपको इस मैच में सबसे बड़ा खबर बताते हैं कि 102 ओवर के दौरान अश्विन ने बीच पिच में दौड़ते नजर आए, जिस वजह से भारत को 5 रन को पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ा। नियम को आपको बता दें कि पिच के दौड़ने का वार्निंग प्लेयर को नहीं बल्कि टीम को दिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार टेस्ट मैच में हो चुका है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। अगला वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।